वीकेडी ब्लॉग्स। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि आज है 7 अक्टूबर, आज से पहला नवरात्रि स्टार्ट होता है। तो मैं जाने वाला हूँ झंडे वाली माता मंदिर एंड आप लोगों को भी साथ में घुमाऊंगा कि वहाँ पे नवरात्रि में कैसा दिखता है माता रानी का मंदिर। क्या वाकई में अभी मॉर्निंग में इतना भीड़ होगा, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 6 बजे, मैं बिल्कुल रेडी हूँ जाने के लिए। तो वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे कितना भीड़ है। मुझे इस बार लगता है कि शायद वहाँ पे प्रसाद ले जाने नहीं दे रहे, वो भी चीज़ जाके देखेंगे कि क्या प्रसाद अपने साथ ले जा सकते हैं या फिर नहीं, तो आप लोगों को पहले बता दूंगा। ऐसा आप लोग वीडियो के साथ बने रहना, इससे आपको पता चल जाएगा कि पहले दिन नवरात्रि के दिन झंडे वाले माता मंदिर के यहाँ पे कितना भीड़ था एंड कितना नहीं है। चलिए फिर चलते हैं सीधा वहाँ पे। फाइनली हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं एंड इसका ये मेन एंट्री, जहाँ से चेकिंग करवाने के बाद हम अंदर जाएंगे। तो चलो अंदर चलते हैं एंड अंदर जाते ही आप लोग देख सकते हो कि पहले जैसा रौनक नहीं देखने को मिलेगा आपको। आसपास बिल्कुल उतना भीड़ नहीं है, क्योंकि कोरोना का टाइम है। तो और अंदर चलते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे पीने के लिए पानी मिल जाएगा। अगर आपको हैंड वॉश करना तो आप हैंड वॉश कर सकते हो एंड देख सकते हो आप खाली हाथ लोग आ रहे हैं एंड खाली हाथ लोग जा रहे हैं, क्योंकि इस बार प्रसाद अलाउड नहीं है मंदिर में। देख लो, मैंने भी नहीं लिया एंड कोई भी लोग आपको दिखेगा कोई भी प्रसाद लेके नहीं जा रहा है। एंड यहाँ से गाइस थोड़ा थोड़ा भीड़ होने लगा है एंड यहाँ से लाइन लगा गया है। तो यहाँ से मैं अभी लाइन में खड़ा हूँ एंड आपको आगे दिखेगा एक और चेकिंग हो रही है, जहाँ पे सैनिटाइज़र दिया जा रहा है एंड आप सभी लोगों का टेम्परेचर लिया जाएगा। आप देख सकते हो लोग खाली हाथ आ रहे हैं। आप लोगों को नोटिस भी दिख जाएगा, जिसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि आपको मास्क, 2 गज की दूरी और आप प्रसाद मंदिर में नहीं ले जा सकते। तो यहाँ से जाने का रास्ता है जो कि गुफा टाइप का बना रखा, पहले ऊपर से नहीं था बट ऐसी था लेकिन रस्सी से घिरा हुआ था। सो फाइनली गाइज, यहाँ से स्टार्ट होता है झंडे वाले माता का मेन मंदिर का गेट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो जीने चढ़ रहे हैं एंड जीने से जैसे ही आप नीचे उतरोगे तो आप सीधा मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाओगे। तो हम भी चलते हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि 5-5 करके यहाँ से भेज रहे थे।